का स्वागत है आपका फैशनिंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि प्रतिस्पर्धा से भारत के लोगों को कैसे लाभ हुआ है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं दोनों के दोनों प्रश्न। दोस्तों आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। दोस्तों विदेशी व्यापार के उदारीकरण से तात्पर्य व्यापार पर अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाना तथा दोस्तों अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाना है। और दोस्तों सरकार ने अपना नियंत्रण अब इस पर कम कर दिया है। दोस्तों इससे देश में व्यापार संबंधी नियम और अधिक उदार हुए हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न की प्रतिस्पर्धा से भारत के लोगों को कैसे लाभ हुआ है। दोस्तों प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियों ने नई उत्पादन तकनीकों में निवेश किया है और जिससे उनका उत्पादन स्तर बढ़ गया है। दोस्तों दूसरा है कि प्रतिस्पर्धा के कारण लोग अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं कम कीमत पर खरीद सकते हैं एवं प्रतिस्पर्धा के कारण कई भारतीय कंपनियों का स्तर बढ़ा जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना एंड चैनल सब्सक्राइब करना।